परिचय नेत्र मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है नेत्र हमें हमारे आसपास की खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए सक्षम बनाती है आओ हम इस अद्भुत ज्ञानेंद्रिय के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे मानव आंख के कुछ हिस्सों की व्याख्या करना आंखों के दोषों को विस्तृत करना आंखों के अच्छे स्वास्थ्य की देखभाल के लिए सावधानियां बरतना ब्रेल पद्धति पर टिप्पणी करना मानव नेत्र आंखें लगभग दो दशमलव तीन सेंटीमीटर के व्यास के साथ गोल होती हैं हम हमारे आसपास की वस्तुओं को देखने में तब सक्षम होते हैं जब प्रकाश उत्सर्जित या उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है यह ऑप्टिक नसों के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में प्रतिबिंब के संकेत भेजता है आगे हम विस्तार में आंख की संरचना का अध्ययन करेंगे अधिक जानकारी के लिए लेबल पर क्लिक करें मानव नेत्र से संबंधित शर्तें दृष्टि की जड़ता आंख के रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव सेकेंड के एक बटा सोलवें भाग तक बना रहता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी एक आंख को स्पष्ट रूप से देखने के लिए जरूरी कम से कम दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहा जाता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी एक सामान्य मानव आंख के लिए 25 सेंटीमीटर होती है दृष्टि दोष एक सामान्य आंख एक विस्तृत श्रृंखला में सभी वस्तुओं को 25 सेंटीमीटर से अनंत तक देख सकती है लेकिन कुछ असमानताओं के कारण जब आंख एक विस्तृत श्रृंखला में एक सीमा के आगे नहीं देख सकती तो इसे दोषपूर्ण माना जाता है आंखों में दोष निकट दृष्टि या अदूरदर्शिता दृष्टि दोष के कारण एक आंख दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती है दृष्टि के इस दोष को सुधारने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है दीर्घ दृष्टि या दूरदर्शिता दृष्टि दोष के कारण एक आंख आसपास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती है दृष्टि के इस दोष को सुधारने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है मोतियाबिंद दृष्टि दोष के कारण लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है ऐसे लेंस के माध्यम से रोशनी रेटिना तक नहीं पहुंचती है दृष्टि के इस दोष को सुधारने के लिए अपारदर्शी लेंस हटाकर एक नया कृत्रिम लेंस डाला जाता है आंखों की देखभाल आंखें नाजुक और कीमती हैं इसलिए हमें हमारी आँखों की उचित देखभाल करनी चाहिए हमें आँखों के लिए कुछ एहतियात बरतनी चाहिए बहुत कम या बहुत ज्यादा प्रकाश में नहीं पड़ना चाहिए सूर्य या एक शक्तिशाली प्रकाश की तरफ सीधे ना देखें सूर्य ग्रहण के दौरान सूरज को सीधे देखने की कोशिश ना करें आंखों को कभी ना रकड़ें आँखों को साफ पानी से अच्छी तरह से धो लें, हमेशा दृष्टि से सामान्य दूरी पर पढ़ें लंबे समय के लिए कंप्यूटर पर काम के दौरान हमेशा कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें झपके और उन्हें हर आधे घंटे के दौरान बंद करें अपने संतुलित आहार में विटामिन ए जैसे गाजर अंडे दूध दही पनीर पपीता और आम फल की तरह विटामिन समृद्ध पदार्थ शामिल करें ब्रेल सिस्टम ब्रेल सिस्टम लुई ब्रेल द्वारा 1825 में तैयार किया गया था जो फ्रांस का रहने वाला एक नेत्रहीन था ब्रेल लेखन प्रणाली है जो अंधों और आंशिक दृष्टि दोष से प्रभावित लोगों को पढ़ने के लिए सक्षम बनाती है ब्रेल प्रणाली त्रेसठ बिंदुकित पैटर्न अथवा छाप हैं ब्रेल पैटर्न छह बिंदु पदों में व्यवस्थित होता है बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के दो कक्षों में व्यवस्थित किया गया है प्रत्येक पंक्ति में तीन बिंदु होते हैं प्रत्येक छाप एक अक्षर अक्षरों के समुच्चय सामान्य शब्द अथवा व्याकरणिक चिन्ह को प्रदर्शित करती है नेत्रहीन लोग ब्रेल लेखन प्रणाली की शुरुआत अक्षर विशेष अक्षर और अक्षरों के समुच्चय के साथ करते हैं सारांश आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। आंखों के सामने का भाग मामूली उभार के साथ लगभग गोलाकार होता है कॉर्निया पक्षमाप पेशी आयरिस लेंस रेटिना ऑप्टिक तंत्रिका और अंधबिंदु मानव आँखों के महत्वपूर्ण हिस्से हैं एक सामान्य मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है आँख से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाना निकट दृष्टि दोष कहलाता है आंख के आसपास की वस्तुओं को नहीं देख पाना दीर्घ दोष कहलाता है ब्रेल लेखन प्रणाली अंधे और आंशिक दृष्टि दोष से प्रभावित लोगों को पढ़ने के लिए सक्षम बनाती है